पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर जनपद में होम्योपैथिक के कुल 20 हॉस्पिटल हैं और इन 20 अस्पतालों में सभी में पर्याप्त डॉक्टर तक भी नहीं हैं। आलम यह है कि जिले में न ही फार्मास्यूटिक पर्याप्त मात्रा में है और न ही डॉक्टर, तो वहीं अन्य स्टाफ की तो बात ही छोड़िए। फिलहाल एक डॉक्टर को कई डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। होम्योपैथिक पद्धति के तहत बुलंदशहर जिले में अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल स्थित हॉस्पिटल समेत कुल 20 हॉस्पिटल हैं जहां होम्योपैथिक पद्धति के माध्यम से इलाज कराया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 20 अस्पताल पर पर्याप्त डॉक्टर तक भी मौजूद नहीं है। जिले में कुल 20 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है जबकि पर्याप्त डॉक्टर तक यहाँ नहीं है। तो वहीं जिले में जिला होम्योपैथिक अधिकारी समेत कुल 11 डॉक्टर हैं जबकि 21 डॉक्टर होने चाहिए। इतना ही नहीं, अगर फार्मेसिस्ट की बात की जाए तो बुलंदशहर जनपद में होम्योपैथिक विभाग में 21 फार्मेसिस्ट के जरिए किसी तरह काम चलाया जा रहा है। चतुर्थश्रेणी कर्मचारी और स्टाफ की तो बात छोड़िए, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हॉस्पिटल 40 से अधिक होना चाहिए। डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद हैं जो कि जिला मुख्यालय स्थित होम्योपैथ अस्पताल अलावा सभी डिस्पेंसरी पर स्टाफ की कमी बनी हुई है। इस बारे में मुख्य होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी SN राय का कहना है कि काफी बार शासन को इस स्टाफ की कमी के बारे में अवगत कराया जा चुका है लेकिन हल आज तक कोई भी नहीं निकला। जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि कभी कभी अपने प्रशासनिक कार्य को छोड़कर खुद भी मरीजों को दवा देना होता है, तो वहीं स्टाफ की कमी के चलते एक ही डॉक्टर के दो दो हॉस्पिटल पर जाने का टारगेट दिया हुआ है। ऐसा है कि जितना प्रॉपर अस्पताल में स्टाफ होना चाहिए उतना है नहीं, और जो दिया गया है उसमें इस समय कुल मिला करके 21 वाइस डॉक्टर चाहिए DHO को छोड़ करके, जिसमें कुल मिला के 11 डॉक्टर हैं इस समय, और फार्मेसिस्ट कुल मिला के 21 चाहिए, 11 फार्मेसिस्ट हैं और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी 23 हैं। कुल कितने हॉस्पिटल हैं? कुल 20 अस्पताल हैं जिला अस्पताल को लेकर के। जी, तो फिर सर ऐसे में किस तरह से काम करते हैं? अब डॉक्टर लोग को एक डॉक्टर को दो दो अस्पताल देना पड़ा है, और क्या नाम है कि इसमें जो है फार्मेसिस्ट को भी दो दो अस्पताल देना पड़ा है, और क्लास फोर कर्मचारी को कहीं कहीं दो की व्यवस्था की गई है। कई बार लिखा गया, व्यवस्था दी गई, लोग कहते हैं कि आदमी आ जाएंगे तो भेजे जाएंगे, लेकिन अब तक पूर्ण रूप में इसकी पुष्टि नहीं की गई। जिला मुख्यालय जिले पर कम से कम पर डे 500 से 600 आदमी, 500 से नीचे नहीं है किसी का। तो सर फिर अब डॉक्टर को लगाए वहाँ पर, मान लीजिए किसी दिन कोई डॉक्टर छुट्टी पर आता है, उस दिन हमको जाके बैठ के देखना पड़ता है जी भाई, कोई हताहत न हो जिले पर। आई है और हमारे विभाग से दवा आई है, आयुष के तरफ से भी दवा अच्छी व्यवस्था चल रही है।